बीफ मंदी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला किंग खाजा पब्लिक डिमांड पर ले आया है स्पेशल बीफ अफगानी आइटम्स जो माहिर अफगानी शेफ की निगरानी में तैयार किए जाते हैं। नाम सैयद फैसल है। क्या हुआ भाई आज आपके साथ? भाई मैं जो है ना बस्ती में से गुजर रहा था, मेरे एक दोस्त के साथ थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था। गांजे वाले थे, गांजा पीने वाले बच्चे, वो रोज बैठ कर ना गांजा वगैरह पीते। तो मैं मेरे दोस्त को बचाने गया, पीछे से दो बच्चे आए। मैं सुरतान तो नहीं पहचानता, मैं नामा इतना मालूम है, एक जुबैर नाम है, एक आमिर नाम है, सुरतान देखे तो मैं पहचान लेता हूँ भाई। बोला हमेशा गांजा पी के गिरौने के पास बैठे हुए रहते। मैं खाली दोस्त को बचाने गया था भाई, मेरे पीछे से देखो एकदम वार करे, ये हाथों पे खून बता रहा आपको, और जो है ना ये सर पे मेरे को मार के तीन टाके पड़ गए। पर भाई मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये गांजा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में, मैं यही हुकूमत से मैं अपना गुजारिश है कि भाई ये गांजा सबसे पहले जो ना ये चीज़ को पुलिस से भी मुताला है कि ये गांजे वालों को पहले पकड़े, ये ग्राउंडों के पास ये गांजा बच्चियां जाना मुश्किल हो जा रही, कोई चीज़ के लिए हर चीज़ की मुश्किल है भाई, आप लोगों से मुताला यही है मेरी तेलंगाना स्टेट और मेरे भाई मीडिया वालों भाइयों से, और बहुत बड़ी गुजारिश है कि भाई आप लोग बहुत अच्छे है कि ये चीज़ें देते, ये बंदों को, ये गांजे लोगों जो गांजा पीने वाले हैं मलकपेट पीएस मेरे, बहुत मैं पैदा मलकपेट में हुआ, मैं आज तक भी देख लेते आ रहा हूँ, ये गांजे वालों को जो है ना मुताला ये है कि ये लोगों का गांजा रोका है भाई, ये मेरे एरिया से जो है ना ये सफाया करे, ये लोगों को रोज एक पिटिंग, अगर पिकेटिंग मेरे मलकपेट पीएस से अगर अल्लाह चाहे तो ये लोग को जो ना रोज एक बंदा पकड़े जाता गांजा पीने वाला, रोज इन लोगों की गाड़ी में गांजा मिलता भाई। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ मेरे मीडिया वाले भाई से भी कि अल्लाह मेरे भाई आप लोग को नेक तौफीक दे, अगर मेरे से मैं जितना बोल सकता हूँ ये चीज आपको मालूम है, और मेरे मीडिया भाई वालों से बहुत बहुत गुजारिश है। आप कभी फोन नहीं करे पुलिस को? सर मैं एक नहीं दो से तीन बार करा, मैं जो है ना हेडक्वार्टर को भी फोन करा, तो उसके बाद में वो लोग भी जो है ना उनके साथियां हैं उनको जो है ना वो लोग को नाम मालूम हो जा रहा है भाई तुम कहीं को कम्प्लेन करे, बल्कि ये दुश्मनी तो निकाले मेरे साथ ये चीज की वजह से, तो ये लोग नजर में रख लिए साहब, क्योंकि मैं कंप्लेन करता था 100 पे कॉल करके, मैं वो लोग को जो ना फलाने गांजा पी रहे बोल के मैं कंप्लेन करता था, वो लोग को तकलीफ हो गई जो है ना, आज ये लोग मेरे पे जुलुम कर दिए, मेरे दोस्त पे जुलुम कर रहे थे, मैं दोस्त को बचाने गया, ये लोग एक निशाना बना के मेरे पे भी राट किससे मारे भाई? दो जने मिल के मारे, एक जुबैर नाम है एक आमिर नाम है, बोले कुछ नहीं साहब, वो लोग मैं दोस्त को बचाने जाते कि चांस में मिल गया बोल के दे दिए मेरे को, दे दे के उसके अंदर उन्हें उधर भाग गया, इन्हें इधर भाग गया। आप बोल रहे हैं ना गांजे के मैं कंप्लेंट करता था पुलिस, सर मैं तो कंप्लेंट करता हूँ, मेरे पास आज भी प्रूफ है वो चीज का, ये लोग जो ना करते हुए ये लोग सब चीज करते थे। मैं अभी भी MCH ग्राउंड आसमानगढ़ गांधीनगर MCH ग्राउंड मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है, मैं हमेशा एक नहीं 10 बार कंप्लेंट करा, और आज भी कंप्लेंट करने में तैयार हूँ कि ये लोग रोज वहाँ गांजा पीते साहब। एक मलकपेट पीए से साहब पिटलोरिंग होती कहाँ होती, वो घोड़े पाल रहे हैं वो पाल रहे हैं, कोटरसो में बच्चे बच्चे जो ना तबाह है, वहां पे बच्चे बच्चे तबाह है, कोटरसो में आप आओ घोड़े की रखने की क्या तबेला है, वो बच्चों के लिए तबेला है साहब, बच्चे बच्चों को खराब करके छोड़ दिए, पूरा नशा गांजे का पूरा बना हुआ है, कुप्पा बना हुआ है वहां पे। मेरे से अगर कुछ भी गलती हुई या मैं मुताला यही कर रहा हूँ मेरी हुकूमत से और मेरे मीडिया वालों भाई की तरफ से, मेरे भाइया मेरे बहुत अच्छे है, इंशाल्लाह मेरे को हर चीज का फायदा होगा, ये चीज के लिए बस हुकूमत से ये मुताला कि ये गांजे वालों को पकड़े और गांजे की रोके इंशाल्लाह। मैं अब ये गांजे को बर्खास्त करना चाह रहा हूँ, मैं आज तक भी जो है ना हमेशा कंप्लेन करता था गांजे के बारे में, मैं अभी भी मेरा डर है, मेरे को मेरे 4 बच्चियां हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, मैं गांजे को ये खत्म करना चाह रहा था, मैं ये कंप्लेन इसके लिए करा कि ये गांजा खत्म करे, अब मेरी जान को धोखा ये गंजोटियों से, बस मेरे को मेरे पुलिस मेरी महकुमा से मेरी यही मुताला है कि मेरी जान की सेफ्टी करे, मेरे को कभी भी लगा जान से मार दे सकते ये गंजेटियां पूरे। ये गांजा इतना आम हो गया कि मलकपेट में तो एकदम गांजा गुटखा पूरा वो लोग के लिए आम हो गया, बस मेरे को मुताला है मेरे कमिश्नर साहब से, मेरे KCR साहब से, मेरे KTR साहब से, मेरे असफ साहब से, बलाला साहब से, मेरे साथ यही मुताला है कि ये गांजा मलकपेट से खत्म करे, बस मैं यही मुताला कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे को मेरी जान की सेफ्टी करे, मेरे मीडिया भाई मेरे पुलिस वाले भाई मेरे को जान की सेफ्टी करे। मेरे बीफ मंदी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला किंग खाजा पब्लिक डिमांड पर ले आया है स्पेशल बीफ अफगानी आइटम्स जो माहिर अफगानी शेफ की निगरानी में तैयार किए जाते हैं, जिसमें स्पेशल अफगानी बीफ टिक्का कबाब, स्पेशल बीफ चॉप्स, स्पेशल बीफ चौपान कबाब, बीफ अफगानी शीख कबाब, उसके साथ और भी दीगर आइटम्स शामिल हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ अरेबियन डिशेस जैसे बीफ मंदी, अरेबियन बीफ मदूद, अरेबियन फाहम चिकन,
अरेबियन ग्रिल चिकन के अलावा दीगर अरेबियन आइटम्स भी मिलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पार्टी हॉल्स भी मौजूद हैं। अगर आप किसी अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार को दावत देना चाहते हैं तो 200 आदमी तक के लिए बैठने की यहाँ पर जगह है। अगर आप भी चाहते हैं इन सारे डिशेस का मजा लेना और अफगानी शेफ के हाथों बनाया गया खाना खाना तो तशरीफ लाइए किंग खाजा होटल पर। हमारा पता है फिसलबंडा एक्स रोड नियर ओवीसी हॉस्पिटल हैदराबाद।